वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक लेसन जो है 9 लेसन का, एक एक क्वेश्चन देखेंगे मजेदार तरीका से। आपको बता दें कि अगर 8 और 9 लेसन आप पढ़ लेते हैं तो मैट्रिक में आपको बहुत ही ज़बरदस्त नंबर आएगा मैथमेटिक्स को लेकर के। मैथमेटिक्स में आपको हम उन्नयन कोण और अनमन कोण बता दिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अनमन कोण क्या होता है, बहुत ही आसान और ट्रिक के माध्यम से भी बताएं। यहाँ पे उसी के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन भी समझेंगे कि आखिर ये क्या कह रहा है। अगर आप त्रिकोणमिति पूरा पढ़ लेते हैं, देखिए त्रिकोणमिति का यूज बहुत जगह होता है, ठीक है। किसी चीज के बीच की दूरी मतलब अगर मापना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करके मापते हैं। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी और सूरज के बीच का दूरी मापा गया होगा तो कैसे ऐसा थोड़ी कि वहां से वो गया होगा, वहां से रस्सी गिराया होगा, फिर दूसरा आदमी इसको पकड़ा होगा, ये तान के रखो जी इसको, फिर देखते हैं कितना बड़ा है। ऐसा नहीं है, वो त्रिकोणमिति का यूज किया गया है, ठीक है। उस सब त्रिकोणमिति से बीच का डिस्टेंस कितना भी बड़ा हो, बीच का डिस्टेंस किसी चीज का निकालना हो, कहीं से दूरी मापना हो, त्रिकोणमिति का यूज करके माप सकते हैं। यहां वही तो सीखना है। देखिए कहा जा रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी रस्सी लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस तो आप लोग देखे होंगे और देखना उस सर्कस में कैसे कैसे क्वालिटी वाले लोग होते हैं कि वो रस्सी पर चल जाते हैं, हम लोग तो गिर जाएंगे, मुंह वो फोड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सर्कस में क्या कर रहा है, 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ता है, ठीक है। ये डोर है कैसा और कहीं तो बांधा गया होगा ना, तो देखिए कहाँ कहाँ बांधा गया। ये सीधा नहीं बांधा गया, ये तिरछा बांधा गया है। देखिए कैसे, जो अच्छी तरह से तनी हुई है डोर, तो एकदम टाइट फिटिंग है भाई, और भूमि पर सीधे लगे हुए खंभे के शिखर से बांधा हुआ है, और जमीन पर एक खंभा गाड़ दिया गया है। इसके शिखर का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, उस खंभा में बांध दिया गया है किसको, रस्सी को, और उस रस्सी को नीचे खींच दिया गया। यानी कि ये हो गया आपका खंभा, ये क्या हो गया आपका खंभा, ठीक है, और इसके ऊपर वाले हिस्से पर रस्सी को बांध के इसे तान दिया गया है। जो डोर कितना है बाबू, 20 मीटर है। अब कह रहा है कि जब डोर 20 मीटर है तो यहाँ आगे देखिए, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। कह रहा है कि भूमि स्तर नहीं, जमीन और रस्सी ये दोनों कहीं, देखिए कोण किसे कहते हैं, जब दो लाइन आपस में आकर के मिलती है तो उन बीच में जो गैपिंग बचता है, जगह बचता है, वो कोण का निर्माण करता है। वही बात यहाँ पर भी है। यहाँ कह रहा है कि जो डोर है वो, और क्या होता है, जमीन द्वारा, जो भूमि द्वारा बनाया गया कोण है, यानी जमीन और डोर के बीच का जो ऐसे गैपिंग है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताइए कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें घबराने की क्या जरूरत है, आसान तो है। ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। यानी इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं यानी कि आधार बोलते हैं। आप तो त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, फॉर्मूला का ट्रिक भी पढ़े होंगे, तो पढ़े हैं तो आप बताइए, रस्सी की लंबाई दिया है यानी कर्ण दिया है, और निकालने को क्या बोल रहा है, लंब बोल रहा है। आप बताइए कर्ण और लंब किसी फॉर्मूला में आता है तो दो फॉर्मूला है, एक है साइन थीटा का फॉर्मूला जिसमें कर्ण और लंब दोनों आता है, लंब बटा कर्ण, और एक है कोसेक थीटा का फॉर्मूला जिसमें आता है कर्ण बटा लंब, इसी का उल्टा होता है। तो दोनों फॉर्मूला से इसका आंसर आ सकता है, हम इससे बनाते हैं। साइन थीटा बराबर, हमको ये दिया था जो निकालना था वो भी दोनों ले लेंगे। अब देखिए साइन थीटा कितना डिग्री पर है, वो 30 डिग्री पर है, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा समकोण होगा, 90 डिग्री वाला कोण बनता है हमेशा, क्योंकि एक सीधा लंबा खंभा है और उसके ऊपर बांधा गया है। लंब कितना है, लंब को मान लीजिए ए है तो इधर मान लीजिए बी और इधर मान लीजिए सी। हम अगर माने लंब है ए बी और कर्ण कितना है तो ए सी है। साइन 30 का मान आपको ट्रिक के जरिए भी बताए थे, ट्रायंगल बना करके होता है 1/2, और ए बी आपको नहीं पता है, छोड़ दीजिए, ए बी खंभे की लंबाई निकालना है, और ए सी कितना है तो ए सी आपका 20 है, ठीक है। जब बीच में होता है बराबर तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, या फिर आपको ए बी निकालना है तो जिसको वैल्यू, जिसका वैल्यू निकाला जाता है उसको अलग छांटते हैं। याद रखिएगा, लाइफ में अगर अपना वैल्यू बनाना है तो अलग तरीका से चलिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको ए बी का वैल्यू निकालना है ना, तो इसको अलग रखेंगे, नंबर को नंबर के पास भेजो, ये बट्टा में है इधर आ गया तो इधर मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो हो जाएगा 20/2, और ये हो जाएगा ए बी, 2 × 20, ए बी बराबर क्या हो गया, 10 हो गया आपका, ए बी का मान आपका 10 आ गया, ठीक है। यानी कि आपका ए बी कितना हो गया, 10 हो गया। तो ए बी यही खंभे की यहाँ लिख सकते हैं नीचे या ऊपर, यहाँ पे क्या, खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, खंभे की ऊंचाई आपका, खंभे की ऊंचाई हो जाएगा 10 मीटर,
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब बहुत सारा आंधी आएगा तो एक पेड़ टूट जाएगा। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पेड़ हो गया, ठीक है, और ये बहुत बड़ा पेड़ हो गया और ये क्या होता है, ये जमीन पर ऐसे लगा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए कि एक पूरा जमीन हो गया और इस मतलब भूमि हो गया और इस भूमि पर क्या है, एक पेड़ ऐसे है, इतना समझ आए। और आंधी आने से ये टूट जाता है। यहाँ लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जब टूट जाएगा, मान लीजिए यहां से टूट गया और टूटा हुआ भाग थोड़ा सा इस तरह मुड़ जाता है, ऐसे टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर माने पेड़ का ऊपरी हिस्सा, ही जो पेड़ है इसका ऊपरी हिस्सा जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा पेड़ है और आंधी आने से यहां से टूट गया, तो जब ये टूट के गिरेगा तो यहां पे गिरेगा तो ये वाला हिस्सा जमीन पे गिरेगा, यानी जमीन को छुएगा, यानी कि ऐसे टूटेगा और टूट के ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या होगा, टूट करके गिर जाएगा, मतलब पहले पेड़ था सीधा और ये क्या हो गया, टूट करके गिर गया। अब कह रहा है कि जहां टूट के गिरता है तो जाहिर सी बात है यहां पे गिरा ही जमीन है और जमीन के इस हिस्से पर गिरा है, तो जहां गिरा है वो पेड़ और ये जमीन का हिस्सा कितना डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। आपको बताए थे कोण क्या होता है, 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, इतना समझ में आया। अब कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि यहां और जहां पेड़ गिरा है वहां, ये दोनों के बीच की दूरी दे दिया है। क्या रहेगा, शिखर जहां जब पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है वो, और जहां पेड़ का पैर वाला बिंदु है, पाद बिंदु है, वहां ये दोनों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक अगर जाओगे तो कितना मीटर दूर गिरा है, ये 8 मीटर है, पूरा दूर है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। आप सोच के बताइए कि शुरू शुरू में पेड़ इतना लंबा था, ठीक है, टूट करके गिर गया, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा यही ना गिरा है, तो मतलब अगर मानते हैं ए बी सी और इसको मान लेते हैं जो शुरू में था डी, तो आप बताए कि ये और ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि यही जब टूट के गिरा है फिर ये अगर इसको उठाएंगे तो पेड़ इतना लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमको ये लाइन चाहिए, अगर ये लाइन हमको निकल जाता है और फिर ये लाइन निकल जाता है, फिर दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है। तो शुरू शुरू में पूरा पेड़ की लंबाई अगर हमको चाहिए तो हमको यहाँ से यहाँ लंबा पता होना चाहिए, और कभी भी यहाँ समकोण त्रिभुज होगा तभी साइन थीटा कॉस थीटा यूज होता है, वो सिर्फ 90 डिग्री पर ही काम करता है, यानी कि राइट एंगल पर ही काम करता है साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम ये लंब निकाल लेते हैं, उसके बाद से ये वाला निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की लंबाई निकल जाएगा, क्योंकि यही गिरा हुआ भाग जब सीधा करेंगे तो जितना ये बड़ा होता है उतना ये भी बड़ा है। तो इसको भी कुछ मान लेते हैं, अगर मान लेंगे हम ए बी को एक्स, क्या मान लें, एक्स, तो हमको इसको क्या माना पड़ेगा, वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो वही एक ही चीज़ है, गिरा है तो ऐसे हो गया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए खूबसूरत लैंग्वेज रहेगा तो खूबसूरत नंबर मिलेगा, अदरवाइज अगर आपका बनाया हुआ आंसर एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा तो उसका दिया हुआ नंबर आपको भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको क्या, ए डी, यहाँ लिख सकते हैं, माना कि ए से डी लिख दो, ए डी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ ब्रैकेट में एक चीज लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या लिए, तथा ए बी इज इक्वल टू, यहाँ ए डी को माना गया है वाई तो वाई ही मानो, ठीक है, और इसको माना गया है एक्स। अब देखिए तो हमको पहले क्या निकालना है, पहले हम लंब निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लंब। तो बताइए आपको बताए थे कोई भी चीज निकालना हो सबसे पहले एक चीज दिया रहेगा वो लेना पड़ेगा उसके साथ में, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको कहीं दूर का रास्ता सफर करना है, मतलब दूर जाना है, बहुत दूर रास्ता है, एक आदमी थोड़ा बहुत जान पहचान का होगा कि इधर से इधर जाएगा, कोई बताने वाला होना चाहिए ना। तो मान लीजिए कि इसका वैल्यू निकालना है तो ऐसे एक्स का वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो एक काम कीजिए इस जाने पहचाने जो 8 है इससे मिलते हैं, तो जो दिया रहेगा वो और जो निकालना होता है वो दोनों को साथ में रखते हैं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आधार यानी बेस, और इसका नाम है परपेंडिकुलर यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा। हाइट तो मतलब इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कि आधार बट्टा लंब किस फॉर्मूला में होता है, एक दिया है वो और जो निकालना है वो, आधार बट्टा लंब किस फॉर्मूला में होता है, तो ये दो फॉर्मूला में होता है, एक टेन के फॉर्मूला में और एक कॉट के फॉर्मूला में। तो यहां हम लोग लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार, ठीक है,
यानी परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। टेन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री पर ये झुका हुआ है, तो 30 डिग्री पर झुका हुआ है जहाँ जमीन को छू रहा है। तो टेन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर नहीं पता है तो आप मान लीजिए ए बी और बट्टा आधार पट्टा है इतना 8, ये हो जाएगा 1/√3 साइन 30। ट्रिक आप याद रखिएगा, इसको याद कीजिएगा तो भुला जाइएगा, ट्रिक याद रखिएगा जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। इज इक्वल टू ए बी, ए बी मान लो एक्स बट्टा 8√8 है डायरेक्ट। जब क्या x का मान निकालना है ना, हमको निकालना है यहाँ से ये वाला लाइन, ठीक है। तो एक काम करो ना, इसको छोड़ो, 8 को इधर भेज दो, तिरछा तिरछी गुणा, तो हो जाएगा √3 बाई ये हो जाएगा आपका 8 और बट्टा में √3, x का मान ये आ गया। अब देखिए हम ये निकाल लिए, ठीक है, अब क्या निकाल दे, ये वाला निकाल दे, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि यही गिरा है तो इस पर आया है ना, तो ये वाला लाइन निकाल दे। अब बाद में दोनों को जोड़ देंगे तो पेंट शुरू शुरू में कितना लंबा था वो निकल जाएगा, तो कर्ण निकालेंगे। अब बताइए आधार दिया है, देखिए एक जो पता है वो, एक जो नहीं पता है वो, दोनों लेते हैं। तो आधार दिया है 8 और निकालना का है कर्ण, तो बताइए आधार और कर्ण किस में आता है, आधार और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, तो ये आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। एक जो दिया है वो लिए, जो नहीं दिया है जो निकालना है वो लिए। कॉस 30 हो जाएगा क्योंकि 30 डिग्री है। आधार कितना दिया है यहाँ पे, देखिए तो आधार दिया है यहाँ पे आपका 8 और कर्ण नहीं पता है, वाई पता है, वाई लिख लो। कॉस 30 का मान होता है √3/2, ये हो जाएगा 8 बट्टा में हो जाएगा वाई। वाई का मान निकालना है, तिरछा तिरछी गुणा करो, क्यों, जब भी बीच में बराबर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 8 × 16 और वाई में √3 से तो √3y और ये हो जाएगा 8 × 16। वाई का मान निकालना है ना, तो जिसका वैल्यू निकाला जाता है उसको अकेले छोड़ दो, बेचारा अकेले हो जाएगा, ई वाला चला जाएगा इसके पास, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, डिवाइड को बट्टा भी कहते हैं, ये इतना हो गया। अब तो x y का मान निकल गया ना, कितना है y बराबर, तो ये भी y है ये भी y है, टोटल कितना आ गया 16/√3 और ये x कितना है यहाँ पे 8/√3। आपसे पूछा गया कि बताइए शुरू में पेड़ कितना ऊंचा था, तो है ये ना ऊंचाई था जो यहाँ से टूटा था, तो यहाँ से पता हो गया कितना मीटर और यहाँ से ही पता हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ हो जाएगा अगर 2 मीटर, कुछ देर के लिए मान लीजिए, ठीक है, और ये वाला जो टूटा है वो 3 मीटर, तो बताइए शुरू में पेड़ कितना लंबा था, 2 और 3 5 मीटर लंबा था, 3 मीटर से टूट गया था, और वैसे आया कितना है यहाँ से यहाँ लंबाई आया है 8√3 और ये 16√3, तो दोनों को जोड़ दो, क्या लिखोगे, पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो AB + AD, AB कितना है, AB है 8/√3 और AD कितना है 16/√3, जब बट्टा का जोड़ करोगे तो ये हो जाएगा 8 + 16, 8 और 16 कितना होता है 24√3, पूरा पेड़ की लंबाई कितना हो गया 24√3। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन जब भी नीचे रूट हो ना तो कोशिश कीजिएगा कि रूट को हटाएं, तो उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी परमेकरण करते हैं। कैसे, जब ये 24 लिखा है √3 तो सेम टू सेम दो बार ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करो, 24 में √3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 24√3 और √3 से √3 जब गुणा होगा तो 3 × 9 और 9 का वर्गमूल हो जाता है 3√3, 3 × 8 = 24, टोटल आंसर आया 8√3, आपका यही आंसर हो जाएगा 8√3, यानी पूरा पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया, तो यहाँ लिख सकते हो कि पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया 8√3। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही मज़ेदार तरीका से समझ में आया होगा, तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट देखने चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए बहुत क्वेश्चन आसान है, एक तरीका दिमाग में बैठा लीजिए कि एक जो निकालना है उस लाइन को और एक जो दिया रहेगा उस लाइन को लेना है, क्योंकि निकालना है वो तो लाइन लेना पड़ेगा, तभी तो वो लाइन का माप निकलेगा कितना बड़ा है, और एक जो दिया रहेगा उसको कोऑपरेट करेगा आंसर लाने में, ठीक है। यहां भी कुछ ऐसे ही है, कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा एक फिसलने वाला पट्टी, आप देखे होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है एक फिसल पट्टी होता है ऐसे रहता है,
ऐसे रहता है, बच्चा इस सीढ़ी पर से चढ़ के जाएगा और इस पर जाके स्लिप करता है, ऐसे ही तो रहता है यहाँ से। तो अब बताइए वो साइज अलग अलग होता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, बड़ों बच्चों के लिए ज़्यादा ऊपर होगा मतलब छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा छोटा होगा मतलब जल्दी जाके स्लिप करेगा, ठीक है, ज़्यादा ऊँचाई तक नहीं होता है, और बड़े बच्चों के लिए और बड़ा रहता है ताकि वो क्या करेगा फिसल पट्टी पर बढ़िया से मज़ा ले पाएगा। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि दो प्रकार का फिसल पट्टी यहाँ पे क्या फिसलन पट्टी लगाना चाहती है एक शिक्षिका अपने स्कूल में, समझ लीजिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा छोटा साइज में फिसलने वाला लगाया जाता है, अब 5 वर्ष से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा बड़ा लगाया जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ दो प्रकार का हम पहले फिसल पट्टी बना देते हैं। देखिए दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, ठीक है, इस पर जा करके क्या करेगा सब चढ़ेगा और ऊपर चढ़ करके और फिर इधर से स्लिप कर जाएगा, और ये हम बना रहे हैं बड़े बच्चों के लिए, ठीक है, इस पर से बड़ा बच्चा स्लिप करेगा, ठीक है, ये 5 वर्ष से कम और ये 5 वर्ष से क्या है ज़्यादा के लिए है। अब देखिए जिस पर ये 5 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर तथा वो भूमि के कितना है भूमि के 37 डिग्री का कोण बनाता है, जो कह रहा है जिसका इस शिखर है ना छोटा वाले बच्चे इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है, और ये जो बड़ा वाला का है यहाँ देखिए और ये 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, कितना डिग्री कोण पर 30 डिग्री के कोण पर, और आगे कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र जो बड़ा बच्चा है उसके लिए बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई चाहिए, कितना मीटर ही ऊंचा है ये 3 मीटर ऊंचा है, तो ये तो आसान है, छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई है और बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है 3 मीटर यानी इससे डबल ऊंचाई है, तो कह रहा है यहाँ पूरा और ये 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, क्योंकि यह कह रहा है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो जमीन है ये ना है हाई वाला, इस पर बच्चा स्लिप करेगा, इस पर क्या करेगा बच्चा स्लिप करेगा, तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनाती है 60 डिग्री का, तो पूछा जा रहा है कि जो ये स्लिप करने वाला हिस्सा है इसी पर तो बच्चा स्लिप करेगा इसकी लंबाई क्या होगी, इसमें भी पूछा है कि ये स्लिप जो करेगा इसकी लंबाई क्या होगी, नाम लिख दो ए बी सी, इसका नाम लिख दो पी क्यू आर, ठीक है, इसकी लंबाई निकालना है, यानी कि आपको बताया था इसकी लंबाई कैसे निकलेगी, बहुत आसान है, एक जो है उसका लिखो, इसका नाम कर्ण होता है हाइपोटेनस और इसका नाम होता है लंब, तो एक जो निकालना है यहाँ पे लिखा है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ये वाला इसमें का और ये वाला इसमें का, यानी दो ठो आंसर आएगा, छोटे बच्चे कितना छोटा पर स्लिप कर रहा है और बड़े बच्चे कितना पर कर रहा है, तो एक जो निकालना है वो और एक जो दिया है उसको लेकर के फॉर्मूला लगा देंगे। बताइए लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, तो जाहिर सी बात है कि लंब और कर्ण साइन थीटा के फॉर्मूला में आता है, आपको बताए थे बहुत ही एक लव स्टोरी कहानी बताए थे हम, बहुत मज़ेदार इन लोगों का, ठीक है, कर्ण देवी का। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या चाहिए हमको, कर्ण को मान लो तुम कोई भी चीज, कर्ण क्यों माने, कर्ण को मान लेते हैं हम एक्स, ठीक है, माना कि कर्ण यानी हाइपोटेनस इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, अब लगाते हैं हम यहाँ पे कर्ण निकालना है तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी, साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान आपका जब निकालिएगा 1/√3 तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ट्रिक ये वाला बता चुके हैं 1/2, ए बी कितना है ए से बी 1.5 है और ए सी कितना है तो ए से सी हम एक्स माने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो ये एक्स हो जाएगा और 1.5 में 2 से कीजिएगा तो 3 मीटर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर में, आप बताइए एक्स बराबर क्या आ गया 3 मीटर, यानी ये जो छोटा वाला बच्चा स्लिप करेगा इस फिसलन पट्टी की क्या होगा लंबाई कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, ठीक है, इधर देखिए इधर भी निकालना है फिसलन पट्टी, तो ये लंब है और ये वाला कर्ण, ये जो निकालना है उसका नाम रखेंगे, तो ये कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, इसको मान लो, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई कह सकते हो या फिर पी आर इज इक्वल टू एक्स मानो या वाई मानो, जो मानना है मान लो, ठीक है, इसको हम वाई मान लेते हैं या मत मानो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप बताइए एक लंब दिया है
कर्ण निकालने को बोला है। जो दिया है वो तो रखेंगे, जो निकालने हो गए तो बताइए लंब और कर्ण किस में आता है। आपको तो पता है कि लंब और कर्ण साइन में आता है, तो लिख दीजिए साइन 60, लंब हो जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा पी आर। साइन 60 का मान कितना होता है, तो आपको इस ट्रिक पर बताए थे 1√3। साइन 60 यहाँ पे होगा तो क्या होगा, लंब बट्टा ये हो, इसके लिए 60 का बात कर रहा है तो लंब बट्टा का √3/2 होता है, √3/2। पी क्यू लंब कितना है 3 सेंटीमीटर और PR हमको नहीं पता है तो Y मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3Y और ये हो जाएगा 3 × 6। वाई का मान निकालो, वाई बराबर हो जाएगा 6/√3। यहाँ देखो जब भी ये आता है नीचे रूट तो क्या करते हैं, पर में करण करते हैं, तो दो बार इसको लिख सकते हो √3 × √3। ये गुणा करोगे तो हो जाएगा 6√3 और ये 3 × 3 तो 3 × 3 = 9 होता है, 3 × 6 ये हो जाएगा आपका 2√3। बताइए ये कर्ण कितना आ गया यहाँ पे, फिशमॉन्ग पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर आ गया और ये था कितना 3 मीटर। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देखिए दे दिया था कि कितना ऊंचा चढ़ेगा, तो छोटा बच्चा मात्र 1.5 मीटर चढ़ रहा है, तो ये जो स्लिप करेगा इसका लंबाई पूछा है, तो ये और ये आता है साइन में, हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया। बड़ा बच्चा 3 मीटर चढ़ के स्लिप करेगा, तो 3 मीटर तो पता था, कर्ण नहीं पता था, लंब पता था और 60 डिग्री के कोण पर इसको झुका रहा था और इसको 30 डिग्री के कोण पर, तो यहाँ पे साइन 60 भरती है और यहाँ पे साइन 30। साइन क्यों लगा रहा है, क्योंकि लंब कर्ण का बात किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर लगा हो जबरदस्त वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कितना आसान तरीके से है। यहाँ कह रहा है कि भूमि यानी जमीन जो है आपका सॉइल, मिट्टी जो है जमीन के एक कहीं बिंदु से एक कहीं इधर मीनार है, मीनार का मतलब टावर होता है, टावर है, उसके बीच की दूरी कितना है 30 मीटर है, यानी जमीन का कोई हिस्सा है जहाँ पे आप मान लीजिए खड़े हो जाते हैं और कुछ दूरी पर मीनार है, आपके और मीनार के दोनों के बीच की दूरी यानी टावर के बीच की दूरी कितना है 30 मीटर है। अब आप क्या कह रहे हैं कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहाँ से आप किसको देखिए, आप मीनार के शिखर को यानी उसकी ऊंचाई को देखिए, जब आप ऊंचाई को देखिएगा तो वहाँ जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री है 30 डिग्री है। कह रहा है कि मान लीजिए कि ये जमीन हो गया आपका और यहाँ इसी जमीन पर से एक यहाँ पे मीनार खड़ा है, मीनार का मतलब टावर ऊंचा है, ठीक है, यहाँ से आप जब ऊपर देख रहे हैं इसके शिखर पर, ठीक है, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ मीनार के बीच की दूरी कितना है, यहाँ पे भूमि और मीनार के बीच की दूरी है 30 मीटर। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इसका हाइट निकालना है, टावर की ऊंचाई, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो क्या कीजिएगा, ऊंचाई को मान लीजिए यही ना पता करना है, एच मान लीजिए इसको मानते हैं ए बी सी मान लेते हैं, त्रिभुज एक मान लेते हैं। अब बताइए कि आपको क्या दिया है, आधार बेस दिया है और निकालना का है हाइट, तो आप बताइए यानी कि आधार दिया है और ये लंब निकालना है कितना लंबा है, तो किसी फॉर्मूला में होता है आधार और लंब, तो दो ठो फॉर्मूला में होता है, एक होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है, यानी कि बेस इनटू हाइट। आपको बताए थे एक जो दिया रहता है वो लेते हैं और एक जो निकालना रहता है वो, दोनों का नाम लिख लेते हैं और देखते हैं कि वो किस में आता है। एक कॉट थीटा बराबर होता है क्या होता है, आधार और बट्टा में क्या होता है लंब होता है, ये दोनों पर सेम आंसर आएगा। ऊंचाई को क्या मान ली है एच, तो यहां सबसे पहले लिख दीजिए माना कि टावर यानी कि मीनार, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू एक्स, तो अब टेन थीटा बराबर जब लंब बटा आधार होता है तो टेन थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान आपका 30 डिग्री है, कितना डिग्री पर झुका है, थीटा मतलब क्या होता है, किसी कोण को मापा जाता है, डिनोट किया जाता है थीटा से, सूचित किया जाता है, ठीक है। लंब कितना है, लंब पूरा एच है, आधार कितना है 30 है और इसका वैल्यू तो ट्रिक के जरिए भी बताए थे आपको, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट, यहाँ देखिए यहाँ पे टेन थीटा होता है 1/√3 बराबर एच बटा 30। जब भी बीच में क्या आता है इज इक्वल टू, तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ एच का वैल्यू निकालना है ना, तो एक काम कीजिए ना, जिसका वैल्यू निकाला जाता है उसको अकेले छोड़ना पड़ता है, तो इसको भी अकेले छोड़ दीजिए, 30 को भेज दीजिए इधर, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 1 में 30 से गुणा होगा तो क्या होगा, जब 1 में 30 से गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 30 बट्टा में रूट
तीन, रूट तीन में इधर भेजने से कोई फायदा नहीं, एच हो गया। जब इस कंडीशन में एच का वैल्यू निकल गया, लेकिन आपको हम बताए हैं कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, इसका परमेकरण कर दीजिए। परमेकरण क्या होता है, देखिए तीस एच बराबर क्या आया है, एच बराबर आया है तीस रूट तीन, यानी थर्टीन थर्टी रूट थ्री आया है एच। अब परमेकरण का मतलब उसी तीन को दो बार लिख दीजिए ऊपर और नीचे, ठीक है। तीस में तीन से हो जाएगा यहाँ पे रूट थ्री, और बटा में तीन त्री का नौ और नौ का वर्गमूल, जैसे तीन में तीन से गुणा कीजिएगा तो नौ होगा, और नौ का वर्गमूल आता है तीन, तो तीन लिख दीजिएगा यहाँ पे, तीन दहिया तीस हो गया, ये हो गया दस रूट तीन। एच बराबर कितना आ गया, दस रूट तीन, यानी कि मीनार जो है टावर की ऊंचाई जो है कितना आ गया है, टेन रूट थ्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ फाइव नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा कितना आसान है। यहाँ कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि जब आप किसी पतंग को उड़ाते हैं तो वो तिरछा उड़ता है, तो जमीन से अगर देखा जाए तो ऐसे जमीन से नहीं ना मापेंगे, जमीन से वो कुछ ऊपर उड़ता है, और यहाँ से कोई पतंग पकड़ करके क्या डोरी उसका पकड़ के रखता है। तो वही बोल रहा है कि एक आदमी अगर पतंग अगर उड़ा रहा है यहां से, तो वो जमीन से कितना ऊपर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रहा है, पतंग में लगी डोरी। अब जो पतंग में जो डोरी लगा है ऊपर से लेकर के नीचे तक, वो क्या अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब वो कोई उड़ा नहीं रहा है, कोई उड़ा करके छोड़ दिया है और ले जाके उसको कहीं ज़मीन में बांध दिया है उसको भूमि के किसी बिंदु से, और वो पतंग ऐसे ही उड़ रहा है, और नीचे से वो कितना मीटर ऊंचा है, तो 60 मीटर ऊंचा है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, अब देखिए जहाँ पे जाके डोरी तिरछा बांधा गया है वो, और जो ज़मीन है, जाहिर सी बात है कि पतंग ऐसे उड़ेगा और ज़मीन आपका ये रहा, ठीक है। और ये ज़मीन, ये मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पतंग आपका उड़ रहा है, ऐसे मान लीजिए कि ये आपका पतंग गया, यहाँ पतंग उड़ रही है, जमीन से कितना मीटर ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है, और ला करके यहाँ आप बांध दिए हैं जमीन में, यहाँ ये पूरा जमीन हो गया, इसको आप भूमि समझ लीजिए, क्या है आपका, भूमि है। यहाँ पे बांधे हैं तो बोला जा रहा है कि जहाँ पे ये झुका हुआ है जमीन पे, तिरछा है ना, यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री। तो पूछा जा रहा है बताओ, यह मान लिया जाए कि ये डोरी जो है ना ये ढीला नहीं है, देखना पतंग उड़ता है तो डोरी तिरछा ऐसे रहता है, लेकिन ये इस प्रकार नहीं है, यहाँ पर ही बोल दिया जा रहा है कि ये डोरी होगा जी, यहाँ छोरी लिखा गया है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, डोरी पूरा कहीं ढीला नहीं है, यानी कोई ढीली नहीं है, तो बताइए इसकी लंबाई क्या होगा, आपको बताइए, आप यहाँ क्या दिया है, यहाँ 60 मीटर दिया है लंब, क्या दिया है, लंब 60 मीटर, और निकालने को क्या बोला है, डोरी की लंबाई। तो बताइए लंब तो दिया है, और जो निकालना है वो आपको शुरू से बता रहे हैं कि जो दिया रहता है वो एक बार देख लो, तो ये लंब हो गया, और जो निकालना है वो ले लो, तो ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, तो लंब और कर्ण दो फॉर्मूला हो गया, एक हो गया साइन थीटा और एक हो गया कोसेक थीटा, इसी का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बट्टा कर्ण, इसी का उल्टा ये होता है कर्ण बट्टा लंब। तो फिगर भी आप समझ गए होंगे, तो यहां देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं। यहां इस क्वेश्चन को यहां पहले हम देखते हैं, ये मान लीजिए कि पतंग उड़ रहा है यहां पे, ठीक है, ऐसे पतंग हो गया, ये उड़ रहा है, और ये वाला पतंग उड़ा है तो ये जमीन ही है, नीचे वाला पूरा ये जमीन हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, ये आपका जमीन हो गया, ये जमीन से कितना ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। यहां से आकर के कोई आदमी यहां पे डोरी को बांध दिया है, और ये यहां पे ऐसे डोरी यहां बंधा हुआ है, ठीक है, पतंग में ये डोरी बंधा हुआ है और जमीन से ये 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। यहां पे कितना डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री का, और ये आपको निकालना क्या है, नाम दे देते हैं ए बी सी, आपको निकालना है डोरी की लंबाई, किसका निकालना है बाबू, डोरी की लंबाई। तो जाहिर सी बात है कि जब डोरी की लंबाई निकल, ये तो डोरी होगा नहीं, ऐसा तो पतंग उड़ता नहीं है, तिरछा उड़ता है, इसकी लंबाई यानी कर्ण निकालना है, लंब दिया है कर्ण निकालना है, तो यहाँ कर्ण को मान सकते हो आप जो मानना है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो, माना कि डोरी की लंबाई मान लो x, डोरी की लंबाई क्या मान लो, x मान लो। अब निकालते हैं हम साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, लंब यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कर्ण। साइन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है यहाँ पे, और लंब कितना है तो 60 मीटर है, और यहाँ पे कर्ण कितना है, तो कर्ण नहीं पता है, एक्स पता है,
इसका साइन 60 का मान होता है रूट थ्री बाई टू और ये हो जाएगा 60 बटे में एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 60 मीटर ये ऊंचा आपका हो गया है। जब बीच में बराबर तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 60 दुना 120 और ये रूट थ्री एक्स और 60 दुना 120 एक्स बराबर हो जाएगा 120 बट्टा रूट थ्री, ये बट्टा में आ जाए क्योंकि एक्स का मान हमको निकालना है। ठीक है, जब नीचे रूट हो तो क्या करते हैं परमेकरण करते हैं यानी क्या रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्स बराबर 120 इज इक्वल टू रूट थ्री और दो बार लिख दो इसी को रूट थ्री इंटू रूट थ्री। जब मल्टीप्लाई होगा तो 120 रूट थ्री और ये हो जाएगा इसका वर्गमूल तीन, तीन चौका कितना होता है 12 होता है, एक जीरो उतार दीजिए है तो 40 रूट तीन यानी कि मीनार ये जो डोरी की लंबाई है x बराबर क्या आ गया 40 रूट तीन। यहाँ लिख सकते हो डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा 40 रूट तीन। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा ये थोड़ा सा मज़ेदार है, थोड़ा सा बहुत ही मस्त है। देखिए कैसे यहाँ पे फिगर आपको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन बताएंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का है, ठीक है, वो 1.5 मीटर लंबा मैंने मान लीजिए छोटा सा ही बच्चा हो, 1.5 मीटर का कितना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और वो खड़ा है। मान लीजिए कि ये छोटुआ है 1.5 मीटर का, ठीक है, देखिए 1.5 मीटर का ये बेचारा खड़ा है और कहाँ देख रहा है तो एक साइड में मीनार है, क्या एक भवन है घर है समझ लीजिए। ये घर जो कितना ऊंचा है तो पूरा जमीन से यहाँ से लेकर के आई पूरा कितना ऊंचा है 30 मीटर ऊंचा है और लड़कवा कितना मीटर ऊंचा है 1.5 मीटर का है। तो आप बताइए कि ये जब 30 मीटर ऊंचा है तो यहीं से ना देखेगा, पैर के पास है तो झुक के जाके देखने नहीं जाएगा। ठीक है, ये खड़ा है तो बस मान लीजिए कि जमीन से ऐसे मीनार ऊपर होगा तो ऐसे पहले तो सामने देखेगा, कहाँ देखेगा सामने देखेगा पहले, फिर वहाँ से अपने नज़रों को उठाएगा ऊपर करेगा और ऊपर करके मीनार यानी भवन के ऊपरी हिस्सा को देखेगा। ठीक है, 1.5 मीटर ऊंचा ये लंबा लड़का है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है ऊपर ऐसे देख रहा है। अब बात ये है कि लड़का आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है अभी जब यहाँ से देख रहा है तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ध्यान से इसको समझिए, जब ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और फिर ये लड़का आगे बढ़ा है तो आप सोच के देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये मार्कर है, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे मार्कर है, इसको अभी मैं हम इसको इस हिस्से को देख रहे हैं तो ऐसे देख रहे हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे नज़र को हमको उठाना पड़ेगा कि नहीं, यानी कि अगर इस हिस्से को देखना है कोई लड़का यहाँ से देख रहा है तो ऐसे देख रहा है, अब लड़का यहाँ पे आ जाएगा तो अपने आँखों को और ऊपर उठाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे किसी चीज़ को हम लोग किसी घर को देखते हैं तो दूर से देखते हैं तो ऐसे देख लेंगे लेकिन घर के नज़दीक जा करके फिर ऊपर वाले हिस्सा को देखेंगे तो सर को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे हैं तो ऐसे डायरेक्ट इस ऊँचाई को देख ले रहे हैं इस ऊंचाई को, लेकिन अब और यहाँ पे रहेंगे तो सर ज़्यादा उठाना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। अब बताइए कि इन दोनों के बीच में ये कम झुकाव है कि नहीं, यहाँ पे झुकाव क्या है ज़्यादा फैला हुआ है, यहाँ पे कम झुकाव है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ज़्यादा फैला, यानी ये कम डिग्री का है 30 डिग्री का है और ये ज़्यादा सर ऊपर है ज़्यादा ऐसे फैल गया है तो ये कितना डिग्री का है 60 डिग्री का। वही यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दूर से लड़का देख रहा है तो 30 डिग्री, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सर को उठाना पड़ेगा भवन के ऊपर वाले हिस्से को देखने के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या करेगा ये आगे बढ़ेगा तो ये और फैलते जाएगा और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि जब यहाँ से यहाँ चला गया तो 60 डिग्री का कोण बना है, तो बताइए कि वो कितना दूर चला है, तो यहाँ से यहाँ तक छोटू चला है ना जी, यहाँ से यहाँ तक चला है तो इसके बीच की दूरी क्या होगा। तो एक उपाय है, क्या कीजिए कि जब ये एक त्रिभुज मान लीजिए, एक 90 डिग्री का क्या मान लीजिए ये वाला आपका त्रिभुज हो गया, आपको लंब दिया है तो पूरा आधार निकल जाएगा, इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बी दो दो बी हो गया क्या जी, यहाँ ए होगा, ठीक है, ए बी और डी, एक ये त्रिभुज हो गया जिसमें आधार पूरा निकल जाएगा क्या डी बी से डी तक, बड़ा आधार मान लीजिए कि क्या हो जाएगा बी से लेके डी तक बड़ा आधार हो जाएगा। उसके बाद से जब ये पूरा आधार कुछ देर के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, पूरा आधार अगर 10 मीटर निकल गया, कितना मीटर निकल गया 10 मीटर, फिर अब त्रिभुज लीजिएगा ए बी सी, कौन सा त्रिभुज ए बी सी, इसमें आपको पूरा लंब पता है कितना परपेंडिकुलर 30, तो ये भी आधार निकल सकता है फॉर्मूला के हिसाब से, लंब बटा आधार फॉर्मूला किसका होता है, ये निकल जाएगा क्या बी सी लाइन निकल जाएगा, कुछ देर के लिए यहाँ बी है तो BC लाइन में निकल गया और मान लीजिए कि BC 3 सेंटीमीटर हुआ,
तो निकालना का है कि यहाँ से यहाँ कितना है, आपको पूरा पता है, बीसी भी पता है, तो ये निकल नहीं जाएगा। मान लीजिए पूरा 10 निकल गया है कुछ देर के लिए, मान लीजिए आज छोटा वाला निकल गया 3, तो पूरा 10 में से 3 सेंटीमीटर ये हटा दो तो ये वाला कितना सेंटीमीटर बचा, तो 10 में से 3 गया 7 सेंटीमीटर बचा, यानी लड़का कितना दूर गया है, 7 सेंटीमीटर गया, अगर सेंटीमीटर में हो तो, लेकिन किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज से ये लाइन निकालते हैं, फिर इस छोटे वाले से ये लाइन निकालते हैं, लेकिन उसके लिए ये लंब 30 नहीं है। ध्यान से देखिए, हम इस त्रिभुज का बात करें, पूरा है 30, ए से लेके ई तक पूरा कितना है, 30 है। यहाँ देखिए लड़का कितना मीटर का है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का है। तो जब 1 तक लड़का देह कहाँ से रहा है, ऊपरी हिस्सा से ना, यानी 1.5 मीटर नीचे से छोड़ करके और वहाँ से कोण बन रहा है, तो इधर कितना मीटर छोड़ना पड़ेगा, 1.5 मीटर, तब जाके ये ए से लेके बी तक पूरा 30 है, उसमें से 1.5 मीटर हटा दोगे तो ए बी बचेगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपको करना कुछ नहीं है, पहले यहाँ आप लिखिएगा ए ई पूरा है, पूरा ही आपको निकालना है ए बी, पूरा ये वाला निकालना है क्योंकि ये नहीं पता है ए बी, पूरा पता है ए बी, पूरा भवन की ऊंचाई, घर की ऊंचाई 30 है और लड़का है 1.5 मीटर का, इसके सामने हो जाएगा ये और ये बराबर होगा 1.5 मीटर का, तो 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो पूरा ए बी अगर निकालना हो तो पूरा ए ई में से क्या घटाना है, बी ई घटा देना है, यानी कि पूरा 30 में से आप 1.5 घटाएगा तो 28.5 मीटर बचेगा। अब आपका ऊंचा कितना हो गया, ये पूरा का ऊंचाई था 30, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो गया 28.5 मीटर, ठीक है। अब ये लंब हो गया त्रिभुज के लिए। और एक चीज़ खुशखबरी क्या है, ध्यान से समझिएगा, ए बी और डी, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसके लिए भी लंब ए बी है, और ए बी सी जो है इसके लिए भी लंब क्या है, ए बी है, जो 28.5 मीटर ए बी हो गया, ठीक है। ए बी कितना अब हो गया, ए बी इज इक्वल टू 28.5 आपका मीटर हो गया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में, किसमें बात करते हैं, ए बी डी में, बड़ा वाला त्रिभुज में। आप पूरा नीचे का आधार निकालिए, यहाँ जहाँ भवन है वहाँ से लेकर के लड़का जहाँ से देख रहा है वहाँ, पूरा आधार निकालना है। लंब आपको पता है, आधार निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला लंब और आधार का, तो फॉर्मूला आपको पता है कि 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। 10 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बराबर, लंब कितना है तो लंब आपका पता हो गया ए बी, आधार कितना है तो बी से लेकर डी तक है बी डी। 10 30 का मान होता है 1/√3 और लंब है 28.5 और आधार कुछ नहीं है भाई, आधार बी डी है ना। अब मानना है तो माना कि आधार बराबर लिख सकते हो, बेस बराबर एक्स, लेट बी बेस इक्वल टू एक्स, ऐसा लिख सकते हो, लेकिन हम नहीं माने हैं तो छोड़ो, नहीं मानते हैं, बी डी ही लिखते हैं बी डी। जब ऐसे कंडीशन आता है तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो बी डी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28.5 और ये हो जाएगा रूट में 3 हो जाएगा, ये बी डी निकल गया। अब हम बात करते हैं किसका, यहाँ समझिए, ये पूरा निकल गया, अब हमको छोटा सा बी से लेकर के सी तक का वैल्यू यहाँ तक निकालना है, तो ये इस त्रिभुज में आएगा। देखिए ए बी सी, ये वाला एक त्रिभुज है, ये क्या है बाबू, ए बी सी है। ए बी सी में लंब तो उतना ही है 28.5, 30 पूरा था, 1.5 घटा दिए, 1.5 ये घटा दिए, तो ये पूरा बच गया 28.5 लंब, आधार निकालना है। अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहाँ त्रिभुज ए बी सी का बात करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 थीटा बराबर, लंब कितना है, लंब है ए बी, आधार कितना है, आधार है बी से लेकर सी तक, ये सी हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं बी सी। 10 थीटा का मान ये कितना डिग्री पर है, जब लड़का आगे छोटुआ बड़ा है तो छोटुआ पहले नॉर्मल ऐसे देख रहा था ऊंचाई, जैसे जैसे आगे बढ़ा, बाप रे ऐसे इतना ऊंचा, तो सर क्या हो गया, ऊंचा होते गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बना, और अगर आगे जाएगा तो और ये सर ऊंचा करेगा, तो मे भी 45 डिग्री बने, 40 डिग्री बने, जैसे बने। ए बी है 28.5, अब बी सी नहीं पता है, छोड़ दो। ए बी यहाँ पे देखिए, ए बी या 10 60 का मान होता है √3, आपका ट्रिक आपको बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा, ये हो जाएगा बी सी, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, तो बी सी में तो गुणा हो जाएगा √3 से, बेचारा इसका कोई है ही नहीं, कोई बात नहीं, अकेले रखिए,
अकेले ही जिंदगी बड़ा सुखमय बीतेगा। 28.5, अब इसको भेज दीजिए बट्टा में, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 अब बट्टा में रूट 3, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। अब तो बन गया, ये पूरा इजी क्वेश्चन हो गया यार। इस लाइन को ये देख, ये वाला लाइन निकालना है छोटू भाई, यहां से यहां तक गया है तो पूछा है कि कितना दूर गया, यही ना पूछा है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके गया है, बेचारा टहल के गया है यहां से यहां तक, तो ये दूरी निकालना है। पूरा आपको पता हो गया, पूरा कितना है बी से डी तक 28.5√3 पूरा, आइए छोटका पता चल गया, तो पूरा में से इसको घटा दीजिएगा तो यही तो बचेगा ना, ठीक है। तो यहां देखिए कैसे घटाएंगे, यहां आप लिख सकते हैं, यानी लड़का द्वारा, छोटुआ मत लिखिएगा, लड़का द्वारा तय की गई दूरी, लड़का द्वारा तय की गई दूरी कितना है बताइए। तो पूरा दूरी इतना था, ये निकल गया लड़का कितना, पूरा 28.5 था, 5√3, पूरा में से घटा दीजिए बीसी को, चाहे ऐसे लिख लीजिए, पूरा है बीडी में से क्या घटा देना, पूरा बीडी में से बीसी को घटा देना है, बीसी को। अब बीडी कितना है, तो बीडी आपका है 28.5√3, अब माइनस बीसी कितना है 28.5 अब बटा में √3 है, इतना हो गया। अब यहां पे बट्टा एक मान के बट्टा का घटाव कर लीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका, कैसे, तो यहां इसको हम करते हैं, ये यहां पे फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड ये, और ये थर्ड वाला पार्ट है, आप ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा √3, इसमें इसमें भाग कीजिएगा √3, और √3 में √3 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा, जानते हो कितना, 28.5 गुणे 3, और माइनस में ये हो जाएगा √3 में √3 से भाग तो एक होगा क्योंकि सेम है, और एक में 28.5 से ऐसे माइनस कर लीजिए, ये जब गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 के 5 हाथ में 1 बचा, और ये हो जाएगा 8 3 24 और 1 25 के 5 2 हुआ, 8 2 3 2 6 7 8 आपका इतना हो जाएगा पॉइंट, और माइनस में हो जाएगा 28.5, इसको घटाइए, अब बटा में क्या है √3 है, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट है तो पॉइंट 5, ये इधर जाएगा तो 15 में से अगर 8 घटाइएगा, 15 में से 8 घटाइएगा तो बचेगा आपका 7, ये बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, अब बटा में √3, पॉइंट के बाद 0 का कोनो वैल्यू ना होता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 57√3। आज जब भी ऐसा हो नीचे रूट आ जाए तो आपको तो बताएंगे क्या करना है, क्या करना है, परमेकरण, रेशनलाइजेशन, ऊपर लिख सकते हैं परमेकरण करने पर, यहां लिख सकते हैं आप, ठीक है, √3 और √3 ये गुणा होगा तो कितना होगा 57√3, अब बटा में हो जाएगा 3, 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 5 था 3 कट गया 2 बचा, 3 9 27 हो गया 19√3, मीटर है तो मीटर, माने छोटुआ यहां से यहां गया था तो 19√3 गया था, 19√3, आ यहां निकला है बी से सी कितना दूरी था, तो बी सी यहां पे देख लीजिएगा ये दूरी था आपका 28.5√3। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये एग्जाम में भी पूछता है, तो ये आपके लिए रहेगा VVI क्वेश्चन, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला, बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बिना देर की हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से, आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जमीन, भूमि समझ रहे हो ना, भूमि के एक बिंदु से, माने जमीन पर से, अरे कोई भी बिल्डिंग बनेगा तो हवा में तो बनेगा नहीं, जमीन पर से ही क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग बनाया गया है, ठीक है, जो कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है। सपोज मान लीजिए कि आपका नीचे वाला जमीन हो गया, ऐसे 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, चलिए मान लीजिए कि ये 20 मीटर हो गया, 20 मीटर ऊंचा आपका क्या हो गया, ये भवन हो गया, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर एक संचार लगा है, मतलब जो भी समझिए, आप मान लीजिए कि जमीन से आपका घर बन गया 20 मीटर ऊपर, वहाँ उसके ऊपर आप कुछ झंडा ही लगा देते हैं, कुछ भी एक संचार नेटवर्क का जो भी होता है, वाईफाई वगैरह आप लगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ से आप एक वाईफाई लगा देते हैं इसके ऊपर, चलिए माना कि मैंने ये कुछ लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यही तक बिल्डिंग है, और बता रहा है यहाँ पे कि संचार का तल,
सॉरी मीनार के तल का शिखर का उन्नयन कोण। अब कह रहा है पता है क्या, यहाँ से यही ना जमीन है, यहाँ से उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण कभी भी ऊपर नहीं नीचे बनेगा, क्योंकि उन्नयन यानी नयन को क्या करना है, ऊपर करना है। तो नयन को जब ऊपर करना है तो यहाँ एगो तो पहले लड़का कहाँ देखा, बिल्डिंग पर कुछ देर के लिए, मान लीजिए लड़का है पहले कहाँ देखा, बिल्डिंग, फिर देखे अरे यार ये तो ऊपर भी कुछ लगा है, तो उसका नजर और क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ से अब कहाँ देगा, ऊपर भी देखेगा। तो आप बताइए यहाँ दो गो कोण बन रहा है, ये एक छोटा बन रहा है और एक पूरा बड़ा भी बन रहा है यहाँ से यहाँ, और ये क्या बोला है 45 और 60 डिग्री। तो आप खुद सोच के देखिए ठीक है कि कौन 45 होगा और कौन 60 होगा। जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ हम बिल्डिंग करते हैं, यहाँ पे इतना ही बिल्डिंग रखिए ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा फिगर बनेगा। देखिए ये वाला छोटा सा फैला हुआ है, इससे ज़्यादा चौड़ा ये और ये है, ये वाला हिस्सा है ठीक है। तो जब ये वाला है तो ये बड़ा है, तो आप खुद सोच के बताइए ठीक है कि दोनों में बड़ा एंगल कौन है, छोटा एंगल। तब छोटा एंगल है तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री वाला यहाँ पे बनेगा, कितना डिग्री बनेगा 45 डिग्री। अब पूरा ये वाला कितना बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि ये एंगल आपका ये वाला हो जाएगा 45 और ये वाला आपका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो बोला जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए कि जो उस पर संचार लगा है यहां से यहां ही पूरा कितना ऊंचा है, यानी इसका नाम अगर रखे ए बी सी डी, तो पूछ रहा है कि पूरा एसी कितना है। ये वाला हमको पता तो नहीं है कि ये कितना लंबा है, बस पता है कि ये जो हमारा भवन है यानी घर है ये कितना है, तो 20 मीटर ऊंचा है। ये पता नहीं है कि ए से लेके बी तक जो संचार है वो कितना ऊंचा है। अगर ये पता चल गया तो दोनों को क्या करेंगे, 20 को और इसको जोड़ देंगे, तो पूरा ऊंचाई पता चल जाएगा कितना ऊंचा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, याद रखिए ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एक त्रिभुज देखिए जो कि छोटा वाला है, क्या है यहाँ पे छोटा वाला है, जो कितना का है 45 डिग्री का है। अब पूरा बड़ा वाला कितना का है, 60 डिग्री का है। तो जब हम बड़ा वाला लेंगे ये वाला और ये वाला, तो बड़ा त्रिभुज बनेगा ए बी और डी, और छोटा वाला लेंगे तो बी सी डी, मतलब बी सी और डी बनेगा। तो हम पहले एक काम करते हैं, हमको किस चीज़ का वैल्यू पता है, हमको पता है BC का वैल्यू, यानी ये लंब पता है, तो इसी का आधार निकल सकता है नीचे वाला ठीक है। तो हम बात करते हैं त्रिभुज बी सी और डी में ठीक है, या हमको आधार नहीं पता है इसका बेस, तो यहां लिख सकते हैं कि माना कि, यहां लिख सकते हैं माना कि आधार या फिर बेस, लेट बी बेस इक्वल टू एक्स, या फिर माना कि आधार बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बेस भी लिख दिए हैं ब्रैकेट में बी, एक्स हो जाएगा। अब यहां पे आप बताइए लंब दिया है, आधार निकालना है, तो लंब दिया है एक, आधार निकालना है। लंब और आधार ये नाम कहाँ देखने को मिलता है, तो टेन में देखने को मिलता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, इतना ही ना होता है। टेन थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान यहाँ 45 डिग्री है, कितना डिग्री है 45 डिग्री है। अब देखिए जब थीटा का मान आपका 45 डिग्री हो गया और लंब, पूरा लंब कितना है, तो लंब आपका हो जाएगा बी सी, बी से सी, और आधार क्या हो जाएगा, तो डी सी हो जाएगा, क्योंकि हम त्रिभुज बी सी डी का ही बात कर रहे हैं ठीक है। अब देखिए इसका टेन 45 का तो वैल्यू एक होता है, और बी सी हो गया 20, और बराबर ये हो जाएगा आपका डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, तो डी सी में 1 से कीजिएगा तो हो जाएगा आपका डी सी, और ये हो जाएगा 20। मीटर में अगर आपको दिया है तो मीटर में हो जाएगा। आपका आधार पता चल गया कितना है, यहाँ पे कुछ अलग लिख देते हैं क्योंकि ये निकाले हैं हम, 20 मीटर ये भी हो गया। जब ये आपका 20 मीटर हो गया तो एक काम करते हैं ना, अब जब आधार पता है तो खुशखबरी फिर जान लीजिए कि बी सी डी के लिए भी आधार यही है और ए बी डी के लिए भी आधार यही है। तो अब बड़ा वाला त्रिभुज के लिए आधार दिया है तो लंब निकालते हैं ठीक है, जब दिया रहता है आधार तो पूरा लंब निकालते हैं। और जब पूरा पता हो जाएगा और ये भी पता हो, पता है 20, तो पूरा में से अगर इसको घटा दीजिएगा तो ये वाला बच जाएगा ठीक है, और नहीं तो एच निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका भी हम मान लेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा या फिर एच हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं माना कि, यहाँ क्या है वो मीनार का ऊपर क्या लगा है, संचार, संचार की ऊंचाई ऊपर ही लिख लीजिएगा, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, एच मान लीजिए, ये कितना है एच है ठीक है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिभुज ए सी डी। ए सी डी में बेस दिया है, हमको लंब निकालना है, आधार दिया है, पूरा लंब निकालना है, ठीक है। तो आधार लंब ये किस में आता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। टेन थीटा का मान बड़ा वाला के लिए 60 डिग्री है, तो 60 भर दिए। लंब कितना है, तो लंब यहाँ ए से लेकर सी तक का लंब है बड़का के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसमें सट रहा है और इसमें सट रहा है, और ये जाएगा तो यही ना पूरा बड़ा लंब है, लंब हो जाएगा ए सी। अब बट्टा आधार पूरा हो जाएगा डी सी। यहाँ देखिए टेन 60 का मान होता है रूट थ्री, और ए से सी कितना है, ए से सी अगर देखिएगा तो यहाँ से यहाँ 20 और एच है, ए सी कितना है 20 प्लस एच, और बट्टा डी सी, डी सी कितना है 20 है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको गुणा कीजिए, तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 20 रूट 3 बराबर 20 प्लस एच, ये बचेगा। नंबर को नंबर के पास प्लस में है 20, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 रूट 3 और माइनस में हो जाएगा आपका एच, मतलब माइनस में हो जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू में इधर एच बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो दोनों में कुछ एक जैसा दिख रहा है, एक हिस्सा यानी एक टोला ये हो गया, एक टोला मोहल्ला ये हो गया, तो इस इलाका में दिख रहा है दोनों में 20 मिल रहा है, तो जब 20 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा रूट 3 और यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचेगा और एच। तो बाबू एच बराबर क्या हो गया 20, इतना आंसर हो गया। यानी एच क्या माने हैं, माना कि मीनार सॉरी संचार की ऊंचाई एच, तो संचार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, संचार की ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 20 और इंटू रूट 3 माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूरा आपको पूछ दिया जाए मीनार की ऊंचाई तो 20 लिख लीजिएगा और ये आपका हो जाएगा कितना, 20 इंटू रूट 3 प्लस 1, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो पूरा की ऊंचाई भी निकल जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं कि ये भी अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।